हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की टेक्निक। साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। इससे लास्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ट्रेलर साहब ने दिए थे, चार प्रिंसिपल दिए थे, वो चारों कवर करके आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाकर वो वीडियो देखिएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसी वीडियो से आप जुड़े हैं तो इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियोस या क्लासेस नहीं ली हैं तो बेटा जी चैप्टर वन भी हम फिनिश करके आ चुके हैं। आप चैप्टर वन की सारी वीडियो जाकर देख कर आइए, उसका लिंक भी बेटा जी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस साल ताबड़तोड़ बेहतरीन में हम पूरे साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस कवर कराएंगे। सारे डिटेल नोट्स होंगे, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, केवल स्टडीज होंगी। 100 out of 100 की बात होगी। अगर आप चाहते हैं 100 out of 100, अगर आप चाहते हैं जैसे हमारे बच्चों के मार्क्स आते हैं वो आपके भी आए, आपके भी मार्क्स अच्छे हो जाएं, तो इसी उम्मीद में हम YouTube पर आए हैं ताकि हम और बच्चों के मार्क्स भी एनहेंस कर सकें। सभी को ज्ञान पर सबका अधिकार है, जितना ज्यादा बटेगा उतना अच्छा होता है। तो इसी उम्मीद के साथ, शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ हम YouTube पे आपके लिए हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का। साइड में ये शो होता रहता है, ये हमारा सभी रिजल्ट है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है बच्चों जी। तो अगर आप भी अपना रिजल्ट ऐसा ही चाहते हैं और आप भी चाहते हैं हमारी स्क्रीन पे आपका नाम डिस्प्ले हो और आप छा जाएं, तो इसीलिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। तो जुड़ जाएं अकाउंट हवेली से, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट जरूर किया करें बेटा जी, जरूर 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 कमेंट किया करें, लाइक जरूर किया करें, और सभी बच्चों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। बेटा जी आज हम आपसे बात करने वाले हैं टेक्निक्स की। लास्ट क्लास में प्रिंसिपल खत्म करके आ चुके थे और आज आपसे चर्चा होगी टेक्निक्स के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट दो चीजों से मिलकर बना था, दो चीजों की इसमें डिस्कशन हुई थी। एक हमने कहा था, एक को इन्होंने नाम दिया था अपने प्रिंसिपल, और साथ में इन्होंने कहा था उन प्रिंसिपल के साथ साथ आपको पढ़नी है कुछ टेक्निक्स। तो बेटा जी ये प्रिंसिपल तो लास्ट क्लास में हम कवर करके आ चुके थे, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निक्स के बारे में कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ साथ साइंटिफिक टेक्निक्स क्या क्या हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि आपने जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए हैं, अगर आप उनको अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये टेक्निक्स भी फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि उन प्रिंसिपल्स के रिजल्ट के अचीवमेंट में ये टेक्निक्स का अपना ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो क्या क्या टेक्निक्स हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के रिजल्ट को फॉलो करने में या उस रिजल्ट को अचीव करने में जो हमारी हेल्प करेंगी बेटा जी? तो पहली हमारी टेक्निक होती है फंक्शनल फॉर्मेशन, दूसरी बेटा जी टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल वेट सिस्टम, तीसरी है बेटा जी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, और लास्ट वाली हमारी टेक्निक है वर्क स्टडी। और वर्क स्टडी में फर्दर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और मेरे बेटा जी ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी टेक्निक्स हम आपसे आज की क्लास डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये डिस्कशन हमारा आपके साथ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली टेक्निक के बारे में कि पहली टेक्निक हमारी कौन सी है। तो पहले बेटा जी हम बात करेंगे फंक्शनल फॉर्मेशन के बारे में। फंक्शनल फॉर्मेशन के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, जल्दी से एक बार स्क्रीन शॉट ले लें इसका, फिर इसको पढ़ना शुरू करते हैं बेटा जी। इस टेक्निक में ट्रेलर साहब आपको बता रहे हैं कि आपको अपने यहां पर रिजल्ट को अचीव करने के लिए फैक्ट्री में आपको दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे, दो ग्रुप आपको सेपरेट बनाने पड़ेंगे, आपको सेपरेट दो ग्रुप्स को लेके चलना है, तभी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिजल्ट को देख पाएंगे या अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। और ये कहते हैं कि साहब अपनी फैक्ट्री के अंदर आपको दो ग्रुप बनाने हैं, एक को हम बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर और एक को हम बोलेंगे प्लानिंग मैनेजर। आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है अपनी वर्कफोर्स को, और एक को आप प्रोडक्शन मैनेजर के नाम से जानेंगे, दूसरे को आपने प्लानिंग मैनेजर के नाम से जानेंगे। इसका मतलब ये सिंपली टू पार्ट्स में आपकी वर्कफोर्स को डिवाइड करना चाहते हैं। सर इस डिवाइडेशन का आधार क्या है, ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? तो इनका मानना है कि प्लानिंग वाले लोग अलग रहने चाहिए
और प्रोडक्शन वाले लोग अलग रहने चाहिए। दैट मीन्स वो लोग जो प्लानिंग फॉर्मुलेट करते हैं वो सेपरेट होने चाहिए, और वो लोग जो प्लानिंग की आगे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो लोग अलग होने चाहिए। दोनों की अलग अलग टीम बना के हमें चलना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट अचीव हो, बहुत अच्छे से अचीव हो। इस पर इनका पूरा का पूरा ये थीम बेस्ड है बेटा जी। बेटा जी फिर ये फर्दर कहते हैं कि आपको अगली बार सेम फर्दर प्लानिंग मैनेजर्स को अपने अंडर में फिर से 4 स्पेशलिस्ट रखने हैं। प्लानिंग मैनेजर अपने अंडर में फिर से 4 लोगों को रखेंगे, और बेटा जी इन लोगों को इन्होंने नाम दिया है फोरमैन। ठीक सर, फोरमैन ही नाम क्यों दिया है, ऐसे समझ लो जो लोग प्लानिंग फॉर्म्यूलेट करेंगे, यानी कि प्लानिंग जो लोग बनाते हैं जो फॉर्म्यूलेट करते हैं उनको हम फोरमैन कह देते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और सर ये जो प्रोडक्शन मैनेजर वाले लोग हैं बेटा जी, इनके अंडर में भी 4 लोग रहेंगे, और इनको बेटा जी हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट। क्या बोलते हैं हम, कि ये प्रोडक्शन के स्पेशलिस्ट हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि ये फैक्ट्री में पहले 2 ग्रुप बनाएंगे, उन 2 ग्रुप में फर्दर 4-4 लोग होंगे। प्लानिंग वाले लोग अपने 4 लोगों को नाम देंगे फोरमैन का, और प्रोडक्शन वाले लोग अपने लोगों को नाम देंगे स्पेशलाइज लोगों का। अब फर्दर सर इन 4 लोगों में, इन फोरमैन में होने वाला कौन कौन है, कौन कौन रहेगा जो इन वर्कर्स के साथ रिलेशन बना के रखेगा और ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो सर एक होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक होता है रूट क्लर्क, एक होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और एक होता है डिसिप्लिन वाला आदमी। तो कहने का मतलब 4 लोग होंगे जो प्लानिंग टीम के अंडर में होंगे, जो प्लानिंग मैनेजर के अंडर में होंगे, और उनको हम फोरमैन बोलेंगे। इसके अलावा बेटा जी प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर जो 4 स्पेशलिस्ट होंगे उसमें एक होगा आपका स्पीड बॉस, एक होगा आपका गैंग बॉस, एक को आप बोलेंगे रिपेयर बॉस, और एक को आप बोलेंगे इंस्पेक्टर। ठीक, और ये सारे लोग मिलकर इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे। इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है आपको, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ कि प्लानिंग मैनेजर के अंडर में जो 4 लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं और वो उनके नाम क्या क्या हैं। उसके बाद कमेंट करके बताना कि प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में जो 4 लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी बच्चे। चलिए बेटा जी उन्हीं बात को आगे देखते हैं। वही सारी बातें आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं कुछ सरल शब्दों में, और आपको ये अच्छे से याद रखनी है बेटा जी। चलिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है प्लानिंग इंचार्ज, यानी कि वो लोग जो प्लानिंग के हेड हैं प्लानिंग इंचार्ज हैं, और इधर वो लोग जो प्रोडक्शन इंचार्ज हैं या प्रोडक्शन के हेड हैं। बी केयरफुल बच्चों, इन प्लानिंग ऑफिसर देयर आर 4 फोरमैन एग्जिस्ट। प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में 4 फोरमैन एग्जिस्ट करते हैं। मैंने याद कराया था कि जो प्लानिंग फॉर्मुलेट करते हैं उन्हें फोरमैन बोल देते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। जल्दी से बेटा जी इसमें पहला क्या होता है हमारा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है, स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन का रूट कैसे होगा, हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने की टेक्निक क्या होगी, यानी कि सारा का सारा प्रोडक्शन करने से पहले जो भी प्रोडक्शन को लेकर जितनी भी सोच बनी होगी, जितना भी माइंड वर्क होगा, क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस टेक्निक से काम करना है, वो सारा का सारा काम जो सोचकर आपको बताएगा उसको बोलते हैं बेटा जी रूट क्लर्क। यानी कि ये रास्ता प्रोवाइड करेगा आपको प्रोडक्शन के लिए, यही आपकी प्लान पॉलिसी स्ट्रेटजी बना के देगा कि किस तरीके से प्रोडक्शन करना है। थिंकिंग प्रोसेस है ये, केवल आपको प्लान बनाकर दे देगा, आपको उसे फॉलो करना है। यानी कि पहले आप एक रूट क्लर्क बनाएंगे और रूट क्लर्क प्लान फॉर्मुलेट कर देगा प्रोडक्शन को लेकर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फिर आपका होगा एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, फिक्स द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द जॉब। सर ये टाइम मेजर करता रहेगा, जॉब को
कब आपने स्टार्ट किया, कब आप उस जॉब को खत्म करेंगे, उसको लेकर सारी की सारी चीजें, टाइम की नोटिंग वाला काम, कॉस्ट ज्यादा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर काम टाइम पे खत्म होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगी। कम से कम काम में टाइम में काम करोगे तो एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। तो टाइम और कॉस्ट को लेकर एक आदमी अलग हमने फिक्स कर दिया, नाम रख दिया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। उसके बाद एक डिसिप्लिन वाला, ये वो आदमी होगा जो वर्क फ्लोर पे मेंटेन करेगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब जिस तरीके से, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिन रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको काम करना है, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब, क्योंकि आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आप ये समझने लग जाते हैं कि शांत रहना ही डिसिप्लिन, ना, डिसिप्लिन का मतलब मेरे बेटा जी होता है कि आपको जो काम दिया गया है आपको वो काम खत्म करना है, जिस टाइम पर दिया गया उस टाइम पे खत्म करना है, जिस हिसाब से, जिन रूल एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है उन रूल एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप डिसिप्लिन में नहीं है। तो डिसिप्लिन वाला आदमी डिसिप्लिन चेक करेगा। सर, टाइम और कॉस्ट वाला आदमी टाइम और कॉस्ट चेक करेगा कि जिस हिसाब से सोच रहे थे उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और सबसे ऊपर रूट क्लर्क, वो आदमी जो स्टैंडर्ड बना के दे रहा था, स्टैंडर्ड का मतलब रूल एंड रेगुलेशन बना के दे रहा था जिस हिसाब से हमें काम करना है, कैसे करना है ये हमें बताएगा, ये हमें एक इंस्ट्रक्शन बनाकर दे देगा कि जाओ आप काम ऐसे कर लो। उसके बाद एक आदमी टाइम चेक करेगा कि उस टाइम के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट को मेजर करेगा। साथ में एक आदमी और होगा जो ये चेक करेगा कि डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं है, और जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट में बेटा जी मेन हमारा कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क। एक हमारा क्या होता है, कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क। अब ये क्या करता है, ये इशू करता है, इशू वेरियस इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर टू कैरी ऑन द जॉब। देखो, जब इस रूट क्लर्क वाले ने एक माइंड मैप बनाकर दिया कि ये माइंड मैप अब वर्कर्स को फॉलो करना है, तो उस माइंड मैप को इंस्ट्रक्शन के थ्रू बताएगा इंस्ट्रक्शन और कार्ड क्लर्क। यानी कि अगर वर्कर्स को कोई भी परेशानी हो रही होगी तो ये उनको इंस्ट्रक्ट करेगा, ये उन्हें बताएगा, यानी कि उनकी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि इन साहब ने तो बनाकर दे दिया, इन्होंने तो केवल रूल एंड रेगुलेशन किस तरीके से प्रोडक्शन होगा वो बनाकर दे दिया, तो इंस्ट्रक्शन वाला इंस्ट्रक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा उन लोगों को कि उन्हें किस तरीके से काम करना है। टाइम मैनेजमेंट वाला टाइम चेक करेगा, कॉस्ट टाइम एंड कॉस्ट वाला टाइम और कॉस्ट चेक करेगा, डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन चेक करेगा। सर, कहने का मतलब हमें तो यहां एक चीज दिख रही है कि इनका कहना है कि डिविजन ऑफ वर्क होना चाहिए, यानी कि हमें वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए। सबसे ऊपर वर्क को डिवाइड किया दो हिस्सों में, कौन सा, प्लानिंग वाला और इधर प्रोडक्शन वाला। प्लानिंग को फर्दर 400 में डिवाइड किया, प्रोडक्शन को भी फर्दर 400 में डिवाइड किया। तो प्लानिंग को कौन से 400 में डिवाइड किया है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। अभी आपको एक्सप्लेन किया है कौन कौन से 400 थे। सर, एक था रूट क्लर्क, एक था टाइम एंड कोर्स क्लर्क, एक था डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन इंचार्ज, एक था हमारा कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ये चार लोग थे। चलिए जी, अब बात करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज की। सर, इन प्रोडक्शन ऑफिसर देयर आर फोर स्पेशलिस्ट बॉसेस एग्जिस्ट। यहां पर चार स्पेशलिस्ट होते हैं। सर, इधर भी चार थे लेकिन चार फोरमैन थे। सर, इधर भी चार हैं लेकिन इधर के लोगों को बोलते हैं चार स्पेशलिस्ट। चलिए जी, अब इन स्पेशलिस्ट में पहला स्पेशलिस्ट कौन है? सर, पहले स्पेशलिस्ट का नाम है इंस्पेक्टर। सर, इंस्पेक्टर क्या करता है? क्वालिटी को इंस्पेक्ट करता है। ये चेक करता है कि काम करते टाइम क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही। इसका मतलब पहले वाले लोग प्लानिंग वाले थे और ये वाले लोग प्रोडक्शन वाले थे। देखो, इनमें से कोई भी आदमी जो काम करेगा और ये जो काम करेंगे, सब अलग अलग है। डिवाइड कर दिया वर्क को, डिविजन ऑफ द वर्क कर दिया ताकि स्मूथ फंक्शनिंग रहे, कॉन्फ्लिक्शन ना रहे। सबका काम, सबकी जिम्मेदारी, उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर हमने डिवाइड कर दिया, टेंशन फ्री हो जाएंगे। सर, रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस सर, ये मेंटेन करेगा मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स को। वर्कर जब आए तो वर्कर को सारी मशीनरी, सारे इक्विपमेंट रेडी मिलने चाहिए, यूज टू मिलने चाहिए कि वो आए और आते उन्हें यूज करने लग जाएं। सर, मशीन खराब पड़ी है, वर्कर फिर खाली बैठेगा, कैसे काम करेगा, ये नहीं होना है। तो रिपेयर बॉस को ध्यान रखना है इस तरीके की समस्याएं
वर्कर्स को नहीं आनी चाहिए। चलिए जी, एक और बॉस बना रखा है स्पीड बॉस, सर स्पीड स्पेशलिस्ट, ये क्या चेक करेगा? चेक द कॉज फॉर द डिले एंड रिमूव देम, ये चेक करेगा। स्पीड मास्टर ये चेक करेगा कि काम स्पीड से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर काम स्पीड से नहीं हो रहा है तो रीजन क्या है उस डिले का, जो भी रीजन होगा वो फाइंड आउट करेंगे और फिर उस रीजन को, उस डेविएशन को डिलीट करेंगे ताकि काम टाइम पे होता रहे। सर जी गैंग बॉस, एक और बॉस होता है हमारा सर गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेगा? सर मेक्स अरेंजमेंट ऑफ मशीन मटेरियल टूल्स एक्सेट्रा, यानी कि लेबर को, वर्कर्स को काम करने के लिए जो भी मशीन चाहिए सर, जो भी टूल्स की जरूरत है, जो भी मटेरियल की जरूरत है, वो सारे टूल मटेरियल सर अवेलेबल करा के देगा गैंग बॉस। ठीक, गैंग बॉस ने एक बार मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, मशीन प्रोवाइड कर दी, अगर उसके बाद उसमें कोई खराबी होती है तो ये रिपेयर बॉस की जिम्मेदारी है कि वो उनको ठीक कराए। इंस्पेक्टर बॉस की ये जिम्मेदारी है, ये चेक करे कि क्वालिटी उसी हिसाब से, जिस हिसाब से हमने सोची थी, हो रही है या नहीं हो रही है। और साथ में स्पीड बॉस का ये चेक करना है कि काम स्पीड से हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि एफिशिएंसी का भी हमें ध्यान रखना है, एफिशिएंटली काम हमारा होना चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अचीव करना है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो बेटा जी सिंपल सी बातें थी, होप सो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा जी। बेटा जी इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपसे कि ये वाला जो फंक्शनल हमने फॉर्मेशन पढ़ा है, इसका फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट मिलेंगे फंक्शनल फॉर्मेशन के? तो फंक्शनल फॉर्मेशन करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? सर ये प्रमोट करता है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना चाहिए। एक ही आदमी ने सारा काम करने का ठेका नहीं ले रखा, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है उसको वो वाला काम दे दो, यानी कि आपको फ्लोर लेवल पर काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। तो ये कहते हैं फ्लोर पर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से दूसरा क्या फायदा होगा? सर इंप्रूव हो जाएगी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, फोरमैन जो फोरमैन्स है उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि अपनी स्पेशलिस्ट, जो जिस काम में स्पेशलिस्ट है, सिंपल सी बात है, वो उस काम को करेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। सर आप अकाउंट, इको और बिजनेस स्टडीज के स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर मैं वही काम करूंगा तो नो डाउट रिजल्ट अच्छा आएगा। सर आप मैथ पढ़ाने लग जाओगे तो बेटा जी रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो वो यही तो कह रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क करो, जो जिस चीज में स्पेशलिस्ट है उसको उसी चीज का काम दो, ताकि वो उस काम को बहुत अच्छे से करे, इतने अच्छे से करे कॉस्ट भी कम से कम आए, क्वालिटी भी मेंटेन रहे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी रहे, सारे काम हमारे स्मूथली होते चले जाए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रहे। चलिए जी दूसरा हमारा था बेटा जी डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। अब डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम क्या कहता है? देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम कर रहे हैं, दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है सर, राम की प्रवृत्ति वाला आदमी है, जी जान से डेडिकेशन से काम करता है सर, एक दूसरा रावण की डेडिकेशन वाला आदमी है सर, काम डेडिकेशन के साथ नहीं करता है सर। तो सर जब दोनों आपस में जाकर बात करेंगे तो एक कंक्लूजन सा निकलेगा। आप सोचिए एक आदमी जिसने हार्ड वर्क किया, डेडिकेशन के साथ काम किया, उसने भी 8 घंटे काम किया, ज्यादा प्रोडक्शन किया, एक दूसरा आदमी उसने भी 8 ही घंटे काम किया, कम प्रोडक्शन किया, और दोनों को वेजेस सिमिलर रेट से मिल रही है, मतलब वेजेस में कोई फर्क नहीं आया, तो वो एक दूसरे को क्या कहेंगे? यार तेरे से बढ़िया तो मैं हूं, यानी कि क्या बोलेंगे? यहां पर रावण जी कहेंगे रामचंद्र जी से कि भैया तुमसे बढ़िया तो मैं ही हूं, देखो मैंने काम भी कम किया और मुझे पैसे भी उतने मिले। तो ये सिस्टम कहता है भैया साइंटिफिक रहना है, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा वेजेस देनी है, जो कम काम करेगा उसको कम वेजेस देनी है। नाम में लिखा हुआ डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस सिस्टम। डिफरेंशियल का मतलब हो गया, कहां जा रहा है बच्चे, डिफरेंशियल का मतलब हो गया बेटा जी, अरे 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 मुन्ना, डिफरेंशियल का मतलब हो गया बेटा जी अलग अलग वेजेस, मीन्स सबकी वेजेस अलग अलग होगी, अलग अलग होगी किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी के आधार पर सबकी वेजेस अलग अलग होगी, इसी बात को वो बोल रहा है। यानी कि एफिशिएंट लोगों को ज्यादा पे करेंगे, उनके मुकाबले जो लेस एफिशिएंट है उनको कम वेजेस देनी है। तो देखें बेटा जी एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड मोर एट अ हायर रेट व्हेन प्रोडक्शन रेजेस अबव द स्टैंडर्ड, जितना बोला गया था
उस स्टैंडर्ड से भी ज्यादा काम करें, यानी कि हाईली एफिशिएंट लोग हैं तो उनको ज्यादा देंगे, लेस एफिशिएंट वर्कर आर टू बी पेड लेस, जो लेस एफिशिएंट है उनको लेस पे करेंगे, द प्रोडक्शन फॉल्स बिलो द स्टैंडर्ड। जो भी हमने स्टैंडर्ड बनाया था अगर उस स्टैंडर्ड से कम पे काम करेंगे, मान लो हमने टारगेट दिया हुआ है, मान लेते हैं हमने टारगेट दिया हुआ है कि सभी लेबर को 100 यूनिट्स कम से कम प्रोड्यूस करनी है, ये टारगेट दे रखा है, तो जो इस 100 से ज्यादा यूनिट बना के देगा उनको हम ज्यादा वेजेस देंगे, जो इन 100 से कम बनाकर देगा उनको हम कम वेजेस देंगे। सर एफिशिएंट लोगों को ज्यादा वेजेस मिलनी चाहिए, वो ये बात बोल रहा है, तो सर इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे, क्या क्या फायदे होंगे? सर पहली बात तो हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करेंगे ताकि हम स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क क्या कर सके, फिक्स कर सके। इधर ध्यान दो, अभी हमने क्या बोला था, हमने बोला था ना 100 यूनिट सबको बनानी है, तो बेटा जी ये 100 यूनिट हमारी क्या बन गई थी, स्टैंडर्ड बन गई थी, तो हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, उस स्टैंडर्ड से कम काम करोगे कम वेजेस मिलेगी, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा वेजेस मिलेगी। इसका मतलब सर मिनिमम वेजेस की कोई गारंटी नहीं होगी, आपकी वेजेस टोटली डिपेंड है आपकी एफिशिएंसी के ऊपर कि आप कितने एफिशिएंट हैं। लोअर रेट फॉर दोज हु प्रोड्यूस लेस देन द स्टैंडर्ड, जो लोग स्टैंडर्ड से कम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कम पेमेंट करेंगे, जो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ज्यादा पेमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको नहीं लग रहा बात बहुत लॉजिकल है, बात बहुत रीजनेबल है। सर ऐसा ही तो होना चाहिए, जो मेहनती बच्चा है जो ज्यादा अच्छी मेहनत कर रहा है उसके ज्यादा नंबर आने चाहिए, जो कम मेहनत कर रहा है उसके कम ही नंबर आएंगे, तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है इन द टर्म ऑफ हार्ड वर्किंग है एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन बना के दे रहा था उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, वो इसी बात को तो बोल रहे थे, टेलर साहब कह रहे थे, बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूं मैं, साइंटिफिक बात कर रहा हूं, ऐसा होना चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जी स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। देन बेटा जी नेक्स्ट हमारी हेडिंग थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो इसको दो टुकड़ों में पार्ट के पढ़ते हैं हम, पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या, सर नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं, मैं कह रहा हूं मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी एलईडी टीवी बनाती है, तो सर एलईडी टीवी बनाते टाइम आप अपनी कंपनी के प्रोडक्शन का कोई स्टैंडर्ड तो सेट करोगे कि हमें कौन सा एलईडी टीवी बनाना है, स्मार्ट एलईडी टीवी बनाना है, नॉन स्मार्ट एलईडी टीवी बनाना है, एंड्रॉइड बनाना है, नॉन एंड्रॉइड बनाना है, फिर आप सोचोगे सर कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, फिर आप ये सोचोगे सर किस प्राइस रेंज में प्रोड्यूस करना है, फिर आप साथ में ये भी सोचोगे कि 32 इंच का बनाना है, 40 इंच का बनाना है, 50 इंच का बनाना है, वट एवर, तो इन सभी चीजों को आप पहले से फिक्स करोगे, इनका आप एक स्टैंडर्ड बनाओगे, इसी को वो बोल रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए जल्दी से कह रहे हैं यहां पर बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स इन विच अ कंपनी establish a standard, एक स्टैंडर्ड बनाती है such as product, आप कहां से आगे सर आप जाइए यहां से, चलिए बेटा जी तो हम कहां पर थे बेटा जी, such as product dimension size quantity quality and then produce product on the basis of that standard। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड सेट करोगे क्या क्वालिटी में बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितने इंच का बनाना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, आप सब चीजों का स्टैंडर्ड सेट कर कर चलेंगे। इससे फायदा क्या होगा, क्या फायदा मिल जाएगा ऐसा करने से, टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड द क्वालिटी इन मटेरियल, ऐसा करने से हमारे स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे और हमारी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी मटेरियल की, ये फायदा होगा। साथ में हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, तो दो फायदे हो जाएंगे सर, स्टैंडर्ड बन जाएगा हमारा एक्सीलेंस का और साथ में क्वालिटी हो जाएगी मटेरियल में, और सर साथ में हम क्या कर देंगे, एस्टेब्लिश कर देंगे स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, तो ये दो फायदे हमें ऐसा करने से मिल जाएंगे। चलिए जी आगे बात करते हैं, फिर ये सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है, तो सर सिंप्लीफिकेशन का मतलब यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट लाइन में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो डिमांडिंग नहीं है, यानी कि मान लेते हैं हम कुछ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं या पहले से कुछ अगर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो डिमांडिंग नहीं है, जो हमारे लिए प्रॉफिट मेकिंग नहीं है या जो इतना नहीं बिक रहा है,
वो प्रॉफिट मार्क नहीं कर रहा हमारे लिए, वो ऐसा उसको वहां पैसा लगा के हम लॉस में ही है, कोई खास फायदे में नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दो। कहने सिंपलीफाई रखो चीजों को, जो फायदे की चीज है वो बनाओ, जो फायदे की चीज है वो मत बनाओ, सिंपल सी बात बोल रहे हैं। तो सर जी इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है एम्स एट रिमूविंग अननेसेसरी वेराइटीज। सर 36 वेराइटी बनाने से अच्छा है 6 वेराइटी अच्छी बना लो, उन्हीं पे कमांड कर लो, उन्हीं पे अपनी मोनोपोली बनाने का प्रयास करो, उन्हीं पे आपके ग्राहक बन जाए, आपकी क्वालिटी से अट्रैक्ट हो जाए, वहीं आपका ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाए, इस पे ध्यान दो। 36 की जगह 4 या 6 ही बना लो, जो बिना बात के अननेसेसरी वेराइटीज हैं, साइज है, डाइमेंशन है, दुनिया भर की चीजों पे 36 चीजों पे ध्यान मत दो, अननेसेसरी एलिमेंट्स को आप रिमूव कर दो, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बेनिफिट क्या होगा सर? सर सेविंग ऑफ कॉस्ट होगा, लेबर और कॉस्ट की सेविंग होगी, क्योंकि वहां भी लेबर एफर्ट डाल रही है जबकि वो इतना बिकता नहीं है, तो लेबर की सेविंग होगी, मशीन का यूटिलाइजेशन हम उस जगह ज्यादा करेंगे जहां से प्रोडक्टिविटी या हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, अननेसेसरीली जहां मशीन लेबर टूल यूज हो रहे थे उनको हम वहां से एलिमिनेट कर पाएंगे इजीली। सर इससे क्या हो जाएगा? इंप्लाइज रिड्यूस इन्वेंट्री, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट एंड द इंक्रीजिंग टर्नओवर। सर हम उन चीजों का टर्नओवर बढ़ाएंगे ना जो मार्केट में हमारी ज्यादा चल रही है, जो कम चल रही है उनको एलिमिनेट कर देंगे, तो जो ज्यादा चल रही है उनको ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो सर ज्यादा रिसोर्सेज हमारे उन्हीं को प्रोड्यूस करने में यूज होंगे, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हमें हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बात करी सिंप्लीफिकेशन के बारे में, और साथ में किसके बारे में बेटा जी? स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। बेटा जी वही सारी बातें स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर लिखी हुई हैं, आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिखेंगे, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर नेक्स्ट बेटा जी आप सिंप्लीफिकेशन की कुछ बातें हैं उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में लिखकर चलेंगे। चलिए बेटा जी अब आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन।